भैया, दो काम करके बातें सुनने से अच्छा है कि काम ना करके चार बातें सुन लो। भैया, शादी बिजली के दो तारों का गठबंधन है, जो सही जुड़ गया तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ गया तो धमाके ही धमाके। भाइयों और बहनों, मेरा दुख सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। एक आदमी हाथ धो के महिला के पीछे पड़ा था, जब महिला ने मुंह धोकर दिखाया तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। आज का ज्ञान, जिस प्रकार पाप का घड़ा भरने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरने से मनुष्य की शादी हो जाती है। हैप्पी मैरिज। भाइयों, पति और पत्नी के खराब मूड में क्या अंतर होता है? पति के खराब मूड का प्रभाव केवल उसी पर होता है, बाकियों पर नहीं, जबकि पत्नी के खराब मूड का असर वायरल की तरह होता है, जो भी संपर्क में आता है लपेटे में आ जाता है। भाइयों, कूलर खराब हो तो इंसान फिर भी जी ले, लेकिन नेट स्लो चलने लगे तो जीना दूभर हो जाता है। मोहब्बत के बिना रहना मुश्किल है या मोबाइल के बिना? कृपया सभी अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, कृपया कीजिए ना। डॉक्टर, तुम्हें इंजेक्शन लिखा था, तुमने क्यों नहीं खरीदा? मरीज, जिस शनिवार को सुई नहीं खरीदते शनि देव नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर, खरीद लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। जहाँ पहले के जमाने में चोट लगने पर हल्दी चूना लगाया जाता था, वहीं आज के जमाने में स्टेटस लगाया जाता है। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। बाबू मोशाए, शादी हर किसी को जरूर करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। हंसते रहा करो दोस्तों, चिंता करने के लिए तो बुढ़ापा आना ही है। किसी से धोखा खाने से अच्छा है चलो मेरे साथ मोमोज और गोलगप्पे खाते हैं।